प्रधानमंत्री ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया वर्चुअली संबोधित। इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। जयपुर महाखेल का साल 2017 से सांसद राज्यवर्धन राठौर द्वारा किया जा रहा है आयोजन। बेंगलुरु में G20 के तहत पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक। भारत G20 शिखर सम्मेलन की कर रहा है अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, ऊर्जा परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे कर्नाटक का दौरा। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। माघ माह में पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है ये जयंती। माघ मास की पूर्णिमा आज, गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत। लखनऊ से मिलेगा 12 देशों का वीजा, पर्यटकों और छात्रों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशी मठ जैसे हालात। डोडा जिले के नई बस्ती गांव में आई मकानों में दरारें। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया स्थानांतरित। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। ढाका में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में भूटान को 12 गोल से दी थी मात।